मिलेगा, जीवन में सब कुछ प्राप्त हो सकता है, सब कुछ मिल सकता है, लेकिन माँ बाप नहीं मिल सकते। दुनिया में सारे रिश्ते मिल जाएंगे आपको, महाराज आज आपके पास पैसा है, हजार रिश्ते तैयार हैं आपके लिए, लेकिन एक माँ का जो प्रेम है वो कभी नहीं मिल सकता। अगर इस दुनिया में जितने भी प्रेम है महाराज, जितने भी सगे संबंधी हैं, सब आपसे स्वार्थवश जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उनका स्वार्थ है, लेकिन माँ बाप एक ऐसे संबंध है, ऐसा उनका प्यार है कि माँ का कोई स्वार्थ नहीं होता है, माँ का सिर्फ एक स्वार्थ होता है, हमारा बच्चा खुश रहे, हमारे बच्चे को कोई परेशानी ना, वो जैसे बच्चों को खुश देखती वो खुश हो जाती, यही उसका स्वार्थ है। बच्चे को थोड़ी सी परेशानी हो जाए, थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाए तो माँ पूरा ब्रह्मांड अपने सर पे उठा लेती, कहाँ उसे लेकर के जाऊं। शर्म आनी चाहिए उन बच्चों को, उन बेटों को जो अपनी माँ को वृद्धाश्रम में ले जा करके छोड़ आते हैं, क्यों? उसी बेटे के लिए वही माँ दुनिया का कोई मंदिर नहीं छोड़ा होगा उसने, हे भगवान मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए, मुझे एक बेटा मिल जाए, मैं आपके मंदिर में आऊंगी, कथा करूंगी, कथा सुनूंगी, अभिषेक करूंगी, ये चढ़ाऊंगी, वो चढ़ाऊंगी, इतना दान करूंगी। जिस माँ ने दर दर की ठोकरें खाई वही बेटा उसे वृद्धाश्रम छोड़ के चला आता, वही बच्चे उसे जवाब देते हैं। शर्म आनी चाहिए, धिक्कार है ऐसे बच्चों पे। हम चाहे कितने भी बड़े बन जाए लेकिन माँ के सामने महाराज हम छोटे ही हैं, वही छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा चेहरा ही है वो माँ के सामने, चाहे आप दुनिया के किसी भी पद पे चले जाए। इसलिए दुनिया के सामने बड़े बनिए लेकिन अपने माँ बाप के सामने कभी बड़ा बनने का प्रयास न करिए। माँ बाप के सामने जब जाइए तो जो वो बालपन बीता है उसी स्वरूप में अपनी माँ के पास पहुंचिए। आप जितने भी मॉडर्न बन जाइए लेकिन माँ के सामने वही सीधे से प्यारे से बच्चे बन करके जाइए।